वेल ट्रेन मैन पावर ये समय की मांग है और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। प्रारंभ में गुजरात में वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती थी, बाद में भारत सरकार ने उसको एक पूरे देश के लिए अहम यूनिवर्सिटी के रूप में उसको मान्यता दी और आज ये एक प्रकार से देश का नजराना है, देश का गहना है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहां जो चिंतन मनन शिक्षा ट्रेनिंग होगी वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। आज जो छात्र छात्रा यहां से पढ़कर के निकल रहे हैं उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज एक और पावन अवसर है, आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। मैं दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए सभी सत्याग्रहियों का पुण्य स्मरण करता हूं और आजादी के 75 साल जब मना रहे हैं तब ऐसे वीर स्वातंत्र सेनानियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज का दिन स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे लिए भी एक यादगार अवसर है। जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, किस कल्पना के साथ इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था और स्वाभाविक है कि लंबे अरसे तक मंथन किया, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों के साथ मैंने संवाद किया, दुनिया में इस दिशा में क्या क्या हो रहा है उसका अध्ययन किया और सारी मशक्कत के बाद एक छोटा सा स्वरूप यहां गुजरात की धरती पर आकार लिया। हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जो देश में रक्षा का क्षेत्र था उस समय सामान्य तौर पर एक लॉ एंड ऑर्डर रूटीन व्यवस्था का हिस्सा था और अंग्रेज भी अपनी दुनिया चलती रहे इसलिए जरा दमखम वाले, लंबे चौड़े कद वाले, डंडा चलाएं तो सब दूर पता चल जाए कि वो क्या है, इस इरादे से लोगों को रिक्रूट करते थे। जो रेशियल मार्सेस थे कभी उसमें से चुनौती करते थे और उनका काम भारत के नागरिकों पर डंडा चलाना, यही एक प्रकार से उनका काम था ताकि अंग्रेज सुखचैन से अपनी दुनिया चला सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।